नाना पाटेकर के बाद अब तनुश्री दत्ता ने लगाए डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री पर गंभीर आरोप। तनुश्री दत्ता को बॉलीवुड में कलाकार प्रियंका चोपड़ा, फरहान अख्तर, स्वरा भास्कर और ट्विंकल खन्ना का सपोर्ट मिल गया है और इसके बाद अब खुलकर बातें सामने आ रही हैं। अब उन्होंने फिल्म डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तनुश्री ने विवेक पर प्रताड़ित करने और चिल्ला कर बात करने का आरोप लगाया। तनुश्री ने एक बातचीत में बताया कि वो जब फिल्म चॉकलेट डीप डार्क सीक्रेट में काम कर रही थी तो फिल्म के सेट पर अभिनेता इरफान के साथ उनका सीन था जो कि एक शॉट दे रहे थे और शॉट में उनका काम भी नहीं था। इरफान का क्लोजअप था और इस शॉट में इरफान को कुछ देर के अपने चेहरे के अलग अलग अंदाज में एक्सप्रेशन देने थे। तनुश्री दत्ता का कहना है कि उसे डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने कहा कि वो कपड़े उतारे और डांस करे, वो इरफान को क्यू दे ताकि इरफान एक्सप्रेशन दे सके। इस बारे में आगे बताते हुए तनुश्री दत्ता कहते हैं कि इस मौके पर सुनील शेट्टी और इरफान ने विवेक की बात का समर्थन नहीं किया और इरफान खान ने डायरेक्टर को ये भी कहा कि नहीं चाहते कि तनुश्री उनके सामने कपड़े उतारे और डांस करे। साथ ही तनुश्री दत्ता ने भी कहा कि फिल्म डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री पर कमेंट करने के लिए उन्हें डांटा भी गया था। गौरतलब है कि तनुश्री दत्ता ने एक चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि नाना पाटेकर ने उन्हें प्रताड़ित किया, जिस पर नाना पाटेकर कह चुके हैं कि तनुश्री दत्ता पर कानूनी कार्यवाही करेंगे।